वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, उभयनिष्ठ आधार विन्यास। इट इज टेकन फ्रॉम पेपर 3rd, नेम्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिकी। नो करैक्टरिस्टिक कर्व फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस कन्फिग्रेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले हम देखें कि जो द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर होता है उसके अभिलाक्षणिक क्या होते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र क्या होते हैं, किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं, उसके वोल्टेज और करंट के बीच जो वेरिएशन होगा, परिवर्तन होगा, जो संबंध होगा, वो हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस। तीन टर्मिनल युक्ति होती है द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर। तीन टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? अमीटर, बेस और कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। बट इट इज जनरली यूज एज ए फोर टर्मिनल डिवाइस, लेकिन इसका उपयोग सामान्यतया चार टर्मिनल युक्ति की तरह करते हैं। कैसे? इट्स वन टर्मिनल आउट ऑफ थ्री टर्मिनल्स बी एंड सी, यानी बी, ई और सी में से एक टर्मिनल को इज टेकन एज कॉमन, उभयनिष्ठ लेते हैं टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स, यानी निवेशी परिपथ और निर्गम परिपथ दोनों में उस टर्मिनल को हम लेते हैं, तो चार टर्मिनल बन जाते हैं। दो इनपुट टर्मिनल्स होंगे और दो आउटपुट टर्मिनल्स होंगे, तो इसको टू पोर्ट नेटवर्क भी कह सकते हैं। एक इनपुट पोर्ट होगा और एक आउटपुट पोर्ट होगा। टू ऑब्टेंड वोल्ट एम्पियर रिलेशन, यानी वोल्टा और एम्पियर धारा के बीच रिलेशन ज्ञात करना है, और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर या उसके अभिलाक्षणिक ज्ञात करने ट्रांजिस्टर के, इट्स थ्री फंडामेंटल कन्फिग्रेशंस आर यूज्ड। इसके तीन मूलभूत विन्यासों का उपयोग करते हैं। कौन कौन से इसके तीन मूलभूत अभिविन्यास है? कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, उभयनिष्ठ आधार विन्यास, कॉमन अमीटर कन्फिग्रेशन, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, और कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। यानी बेस को कॉमन लेंगे इनपुट और आउटपुट सर्किट में तो कॉमन बेस कन्फिग्रेशन होगा, अमीटर को कॉमन लेंगे, उत्सर्जक को उभयनिष्ठ लेंगे इनपुट और आउटपुट में तो कॉमन अमीटर होगा, और कलेक्टर संग्राहक को कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे इनपुट और आउटपुट सर्किट में तो कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन होगा। अब इस वीडियो में हम कॉमन बेस कन्फिग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, किस प्रकार इसमें करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके अभिलाक्षणिक होते हैं, और वोल्टा में और धारा में क्या संबंध होता है, किस प्रकार वोल्टा के साथ धारा में परिवर्तन होता है, और धारा किस प्रकार दूसरी धारा का नियंत्रण करती है, एक धारा यानी इनपुट करंट आउटपुट करंट में नियंत्रण किस प्रकार करता है, कंट्रोल करता है, उसको हम देखेंगे। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अमीटर इज द इनपुट टर्मिनल, कलेक्टर इज द आउटपुट टर्मिनल। अमीटर जो होता है वो निवेशी टर्मिनल होता है और कलेक्टर निर्गम टर्मिनल होता है, एंड बेस टर्मिनल इज कनेक्टेड एज ए कॉमन टर्मिनल फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। यानी जो बेस टर्मिनल है, आधार टर्मिनल है, वो निवेश तथा निर्गम दोनों में एक उभयनिष्ठ टर्मिनल के रूप में संयोजित किया जाता है। दिस मीन्स द अमीटर टर्मिनल एंड कॉमन बेस टर्मिनल आर नोन एज इनपुट टर्मिनल्स। यानी अमीटर टर्मिनल और कॉमन बेस को दोनों को मिला दें तो वो इनपुट टर्मिनल्स होंगे, जबकि वेयर एज द कलेक्टर टर्मिनल एंड कॉमन बेस टर्मिनल आर नोन एज आउटपुट टर्मिनल्स, और कलेक्टर और कॉमन बेस टर्मिनल दोनों आउटपुट टर्मिनल्स होंगे। यानी बेस इनपुट के साथ भी लेंगे और आउटपुट के साथ भी लेंगे। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द बेस टर्मिनल इज ग्राउंडेड। जो बेस टर्मिनल है वो भू संपर्कित करते हैं, सो द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो नोन एज ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन। यानी उभयनिष्ठ आधार विन्यास को भू संपर्कित आधार विन्यास भी कहा जा सकता है। द सप्लाई वोल्टेज बिटवीन अमीटर एंड बेस इज डिनोटेड बाई वीईबी,
while the supply voltage between collector and base is denoted by VCB. यानी अमीटर और बेस के बीच हम जो वोल्टेज लगा रहे हैं बाहर से बैटरी के द्वारा, उसको VEB कह दिया, क्योंकि E पहले आ रहा है और B बाद में आ रहा है. इसी तरह यहाँ कलेक्टर C पहले आ रहा है, बेस बाद में आ रहा है, तो इसको कह दिया VCB. As in every configuration, the base emitter junction JE is always forward biased. यानी ट्रांजिस्टर के अगर सक्रिय प्रचालन की बात करें, एक्टिव ऑपरेशन की बात करें, तो जो बेस अमीटर जंक्शन होता है या अमीटर बेस जंक्शन होता है जेई, वो हमेशा अग्रबायसित होता है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है जेसी, वो हमेशा रिवर्स बायस्ड होता है, पश्च बायसित होता है. देयरफॉर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द बेस अमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड. ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है. तो ये अमीटर पी टाइप का है इसलिए बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, बेस एन टाइप का है इसलिए नेगेटिव से. तो अमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया. कलेक्टर पी टाइप का है उसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, एन टाइप का है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इसलिए ये रिवर्स बायस में हो गया. और इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, अमीटर को नेगेटिव से, बेस को पॉजिटिव से, ये फॉरवर्ड बायस होगा. कलेक्टर को पॉजिटिव से और बेस को नेगेटिव से, ये रिवर्स बायस होगा. तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है. बेस को अमीटर के साथ कनेक्ट किया, कलेक्टर के साथ किया, बेस को अमीटर के साथ किया और कलेक्टर के साथ किया. टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बिहेवियर के वर्णन करना है, उसके व्यवहार का वर्णन करना है विथ सी बी कन्फिग्रेशन, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन के साथ, इसको शॉर्ट में हम सी बी लिख सकते हैं. टू सेट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स आर ड्रॉन, यानी अभिलाक्षणिक के दो समूह खींचे जाते हैं, एक इनपुट करेक्टरिस्टिक्स निवेशी अभिलाक्षणिक एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स निर्गम अभिलाक्षणिक. अब सबसे पहले हम इनपुट करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, निवेशी अभिलाक्षणिक. टू डिटरमाइन दी इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, अब इनपुट करेक्टरिस्टिक्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दी आउटपुट वोल्टेज वी सी बी, यानी सी और बी के बीच जो वोल्टेज होगा, जो बाहर से हमने बैटरी लगाई है, वो आउटपुट वोल्टेज होगा, जिसको हम कलेक्टर बेस वोल्टेज भी कह सकते हैं, संग्राहक आधार वोल्टा, इज कैप्ट कॉन्स्टेंट, यानी आउटपुट वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखना है. एंड कर्व्स आर ड्रॉन बिटवीन द इनपुट करंट आई ई एंड द इनपुट वोल्टेज वी ई बी. अब अमीटर टर्मिनल को हमने इनपुट टर्मिनल लिया था, तो उसमें जो करंट फ्लो होगा आई ई, वो इनपुट करंट होगा, और अमीटर और बेस के बीच जो वोल्टेज लगाएंगे बैटरी के द्वारा वी ई बी, वो इनपुट वोल्टेज होगा. तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच हम वेरिएशन लेंगे, परिवर्तन लेंगे, और आउटपुट वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखेंगे. तो जो कर्व प्राप्त होंगे, जो वक्र प्राप्त होंगे, वो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स होंगे, निवेशी अभिलाक्षणिक होंगे. द गिवन फिगर शोज द इनपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. यानी पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर लिया, जिसका हमने उभयनिष्ठ आधार विन्यास लिया है, उसके निवेशी अभिलाक्षणिक यहाँ चित्र में दर्शाए गए हैं. फ्रॉम द कर्व वी सी डेट फॉर ए कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ वी सी बी, कर्व से क्या पता चलता है कि वीसी का बी का मान अगर कांस्टेंट है, कोई भी एक कर्व ले लें, तो उसके लिए वीसीबी सेम है. जैसे इस कर्व के लिए वीसीबी क्या है, जीरो है. तो वीसीबी का मान जीरो वोल्ट लें, तो वीईबी जब पढ़ाएंगे तो आईई का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वीसीबी विद इंक्रीज इन वीईबी, वीईबी के मान में वृद्धि के साथ देर इज इंक्रीज इन अमीटर करंट आईई, आईई के मान में वृद्धि होती. हम चित्र से देख सकते हैं. Also for a constant value of VEB, अब VEB का मान कोई constant ले ले, मान लो 0.6 ले ले VEB, और हम VCB का मान बढ़ाएं, जैसे यहाँ VCB 0 है, या VCB minus 4 volt है, या VCB minus 10 volt है, तो VCB का मान हमने बढ़ाया, तो देखो IE का मान बढ़ रहा है. With increase in VCB, there is also increase in ammeter current IE. यानी आई के मान में वृद्धि होगी वीसीबी के साथ भी. वी ऑल्सो सी डेट द करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज वीईबी.
कॉल्ड कट इन वोल्टेज और थ्री शॉर्ट वोल्टेज ऑफ द जंक्शन ट्रांजिस्टर। यानी VEB का मान अगर जीरो है तो धारा का मान वहाँ कुछ प्राप्त नहीं होता। VEB का मान बढ़ाते जाएं तो भी कुछ वोल्टेज के लिए हमें धारा का मान लगभग जीरो ही प्राप्त होता है। तो VEB के एक पर्टिकुलर मान के लिए, एक विशेष मान के लिए धारा का मान बढ़ना स्टार्ट होता है। तो जिस मान के लिए धारा का मान शून्य से बढ़ना स्टार्ट होता है वह वोल्टता जो है कट इन वोल्टेज कहलाता है या थ्रीशोल्ड वोल्टेज कहलाता है, प्रारंभिक धारा। फॉर एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर द इनपुट करेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड सिमिलर टू द गिवन फिगर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसी प्रकार के करेक्टरिस्टिक्स प्राप्त होते हैं। These characteristics are similar to that of a forward biased semiconductor diode. ये जो अभिलाक्षणिक प्राप्त हुए ये अग्र बायसित डायोड के अभिलाक्षणिक के समान है, उसमें भी इसी तरह के अभिलाक्षणिक प्राप्त होते हैं। The dynamic input resistance of the transistor, ट्रांजिस्टर का गतिक निवेशी प्रतिरोध जो होगा Ri is equal to क्या होगा, कोई भी एक कर्व ले लें, यानी VCB कॉन्स्टेंट है, उसके किसी बिंदु पर अगर हम स्लोप लें या एक ट्रायंगल सा बनाएंगे तो जो अलोंग वाई एक्सिस जो वेरिएशन है आईई में, अलोंग एक्स एक्सिस जो वेरिएशन है वीईबी में, तो अलोंग एक्स एक्सिस वेरिएशन तो हो जाएगा डेल वीईबी, अलोंग वाई एक्सिस जो वेरिएशन हो जाएगा डेल आईई। तो इसका स्लोप जो लेंगे वो होगा डेल आईई अपॉन डेल वीईबी, और इसका जो रिसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो वो हो जाएगा इसका इनपुट रेजिस्टेंस, निवेशी प्रतिरोध, विच इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू अदर कॉन्फ़िगरेशंस। अदर कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन से, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, उनकी तुलना में इसका मान कम होता है। नाउ आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, निर्गम अभिलाक्षणिक या निर्गत अभिलाक्षणिक। द कर्व्स ड्रॉन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज VCB एंड आउटपुट करंट IC कीपिंग इनपुट करंट IE टू बी कॉन्स्टेंट आर नोन टू बी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। यानी इसके अंदर हम इनपुट करंट को कॉन्स्टेंट रखते हैं और आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच जो वक्र प्राप्त होते हैं, जो कर्व प्राप्त होते हैं, वो कहलाते हैं आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। द गिवन फिगर शोज द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। यानी उभयनिष्ठ आधार विन्यास में पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स दर्शाए गए हैं। द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन एज फॉलोज। यानी इनको तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सेचुरेशन रीजन, सक्रिय क्षेत्र, अंतक क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र। तो ये तो हो जाएगा सेचुरेशन रीजन, ये हो जाएगा कट ऑफ रीजन, और ये जो हो जाएगा वो एक्टिव रीजन। अब तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्टिव रीजन, सक्रिय क्षेत्र, इट इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। यानी ये एक सामान्य प्रचालन क्षेत्र है ट्रांजिस्टर का, जब इसका उपयोग प्रवर्धक के रूप में करते हैं तो वो एक्टिव रीजन में ही काम करता है। इन दिस रीजन द सिग्नल इज एम्पलीफाइड विद द मिनिमम डिस्टोर्शन। यानी जो संकेत हम देते हैं इनपुट में और आउटपुट में जो संकेत प्राप्त करते हैं सिग्नल, वो एम्पलीफाइड होता है, प्रवर्धित संकेत प्राप्त करते हैं, तो उसमें न्यूनतम विरूपण होता है, यानी डिस्टोर्शन नहीं होता उसके अंदर जब वो एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। इन एक्टिव रीजन द अमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, अग्र बायसित होता है, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, और संग्राहक आधार संधि पश्चिम बायसित होती है। यानी जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि जब ट्रांजिस्टर का जो सामान्य प्रचालन होता है, नॉर्मल ऑपरेशन, उसमें अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं। अब देखें क्या है एक्टिव रीजन में। विद इंक्रीज इन आउटपुट वोल्टेज VCB के मान में वृद्धि करें द आउटपुट करंट IC ऑलमोस्ट रिमेंस कॉन्स्टेंट। इसका मान लगभग नियत आ रहा है।
डेट इज आउटपुट करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन दिस रीजन, यानी वीसीबी के मान में आउटपुट करंट, वीसीबी के मान से आउटपुट करंट में फर्क नहीं पड़ता। वीसीबी का मान चाहे कुछ भी हो, आउटपुट करंट लगभग नियत रहता है। दी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स फॉर डिफरेंट इनपुट करंट्स आई ई के अलग अलग मानों के लिए जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं, किसके अंदर, एक्टिव रीजन में, आर पैरेलल टू ईच अदर, देखो एक दूसरे के समांतर है, एंड आल्सो पैरेलल टू वीसीबी एक्सिस, और वीसीबी अक्ष के भी समांतर है, आपस में तो समांतर है ही है और वीसीबी एक्सिस के भी समांतर है। विथ इंक्रीज इन आईई, अगर आईई में वृद्धि की जाए, देर इज इंक्रीज इन आई सी इन द सेम प्रोपोर्शन एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज वीसीबी। वीसीबी का कोई भी एक मान ले लें, चाहे -4 वोल्ट ले लें, तो आई का मान 0 है, फिर 10 है, 20 है, 30 है, तो आई सी का मान भी लगभग इसी अनुपात में बढ़ रहा है। यहां हम देखें, अब है कट ऑफ रीजन, अंत क्षेत्र, द रीजन बिटवीन द वोल्टेज वीसीबी एक्सिस और IE इक्वल टू जीरो करेक्टरिस्टिक करो, यानी VCB एक्सिस और IE इक्वल टू जीरो करेक्टरिस्टिक करो के बीच का जो क्षेत्र है इज नॉन एज कट ऑफ रीजन। इन दिस रीजन बोथ कलेक्टर बेस्ड जंक्शन एंड अमीटर बेस्ड जंक्शन आर रिवर्स बायस्ड, यानी इसमें दोनों ही जंक्शन, दोनों ही संतियां पश्च बायसित होती है। दी आउटपुट करंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन दिस रीजन एंड इक्वल टू ICO, यानी जो आउटपुट करंट है IC उसका मान 0 होता है और वो लगभग ICO, जो लीकेज करंट उसके अंदर प्रवाहित होती है कलेक्टर बेस जंक्शन में, जो क्षरण धारा जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण, केवल वही धारा प्राप्त होती है जो कि बहुत कम होती है, नेगलिजिबल करंट होती है। तो कट ऑफ रीजन में जो आउटपुट करंट है लगभग 0 प्राप्त होता है। सेचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र, इन दिस रीजन बोथ अमीटर बेस्ड जंक्शन एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस्ड, इस रीजन में दोनों ही उत्सर्जक आधार संधि और संग्राहक आधार संधि अग्रबायसित होती है। दिस रीजन इज टू द लेफ्ट ऑफ वीसीबी इक्वल टू जीरो, जैसा कि अभी हमने कर्व देखा था, वीसीबी इक्वल टू जीरो वाली जो लाइन है उसके लेफ्ट में, एंड अबाउ द आई इक्वल टू जीरो करेक्टरिस्टिक कर्व, और आई इक्वल टू जीरो के ऊपर और वीसीबी इक्वल टू जीरो के लेफ्ट में जो रीजन होता है वो सेचुरेशन रीजन होता है। देर इज एक्सपोनेंशियल चेंज इन आउटपुट करंट आई सी विद आउटपुट वोल्टेज वीसीबी, यानी वहाँ वीसीबी में थोड़ा सा परिवर्तन करें तो आई सी में जो चेंज होता है वो क्या होता है, चरघातांकी रूप से होता है। इन दिस रीजन द डिपेंडेंस ऑफ अमीटर करंट आई ई ऑन कलेक्टर करंट इज वेरी स्मॉल, यानी जो उत्सर्जक धारा आई ई उसका IC पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है, यानी VCB में थोड़ा सा चेंज करने पर ही IC का मान बहुत ज़्यादा परिवर्तित होता है। इन दिस रीजन द कलेक्टर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस विद वेरी स्मॉल वोल्टेज, यानी इस क्षेत्र में संग्राहक आधार संधि को थोड़ी वोल्टता से अग्रबायसित करते हैं, यानी दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड बायस होते हैं। यानी कुल मिला के हम देखें, एक्टिव रीजन में अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड होता है, कट ऑफ में दोनों ही रिवर्स बायस्ड होते हैं और सेचुरेशन रीजन में दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं। नाउ द डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज गिवन बाय, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स से हम निकाल सकते हैं, कोई आईई के लिए कर्व ले लिया और एक्टिव रीजन में हमने देखा स्लोप लिया उसका, तो डेल वीसीबी अपॉन डेल आईसी, क्योंकि आईसी का मान बहुत कम परिवर्तित होता है तो इसका मतलब डेल आईसी का मान बहुत कम होगा, तो इसका मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, विच इज़ वेरी लार्ज, ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम, बिकॉज द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू वीसीबी एक्सिस। यानी कुल मिला के देखें तो इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, धारा प्रवर्धन गुणांक, ये क्या होता है, इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर ए जंक्शन ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए एट कॉन्स्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज वीसीबी, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स को हम देखें तो वीसीबी के नियत मान के लिए
द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट आई सी टू अमीटर करंट आई ई, यानी संग्राहक धारा आई सी और उत्सर्जक धारा आई ई का जो अनुपात होता है वो कहलाता है डी सी करंट गेन। डिस्ट धारा लाभ या लब्धि या स्टेटिक करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, स्थितिक धारा प्रवर्धन गुणा, इसे हम किसके द्वारा नामांकित करते हैं, अल्फा डी सी। तो अल्फा डी सी इजिकल टू आई सी अपॉन आई ई एट कॉन्स्टेंट वी सी बी। इन एक्टिव रीजन द वैल्यू ऑफ आई सी इज लेस देन द वैल्यू ऑफ आई ई एट ए पॉइंट ऑफ द करेक्टरिस्टिक कर्व, यानी सक्रिय क्षेत्र में अभिलाक्षणिक वर्ग के किसी बिंदु पर आई सी का मान आई ई की तुलना में थोड़ा कम होता है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा डी सी इज लेस देन वन बट नियर टू वन, यानी अल्फा डी सी का मान जो है एक से कम होता है लेकिन एक के निकट होता है, क्योंकि आई सी का मान आई ई की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता, और जो अंतर होता है वो आई बी होता है, बेस करंट। फॉर डायनेमिक स्टेट गतिक अवस्था की बात करें, इफ विद द वेरिएशन इन इनपुट करंट डेल आई ई देर इज ए वेरिएशन इन आउटपुट करंट डेल आई सी, यानी दो कर्व लें अलग अलग हम, आई ई में परिवर्तन हो रहा है एक कर्व से दूसरे कर्व जाए तो आई सी में भी जो परिवर्तन हो रहा है, तो उनका जो रेशियो लेंगे अनुपात लेंगे डेल आई सी और डेल आई ई का, वो कहलाएगा डायनेमिक करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, गतिक धारा प्रवर्धन गुणांक या ए सी करंट गेन, प्रत्यावर्ती धारा लाभ। इट इज डेजिग्नेटेड एज एल्फा ए सी, इसको एल्फा ए सी से लिखते हैं। तो एल्फा ए सी इजिकल टू डेल आई सी अपॉन डेल आई ई, यहाँ भी वही स्थिति है, द वैल्यू ऑफ एल्फा ए सी इज ऑल्सो लेस देन वन बट नियर टू वन। थैंक यू।